नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल तारा आर्या ब्लॉग्स में। और आज मैं, रेशमा, नीलम और एक दो बच्चे लोग पाताल भुवनेश्वर घूमने के लिए जा रहे हैं। तो आप सबको दिखाऊंगी कि पाताल भुवनेश्वर कैसा है। मुझे काफ़ी शौक है वहाँ पे देखने की। मैं तैयार हो गई है, इसको एक्टिंग दिखाने से फुर्सत नहीं है। वो सामने पे नीलम का घर है और नीलम भी अभी तैयार हो गई है। ये मेरे गुलाब के फूल है, मुझे बहुत पसंद है। ये सब्जी हो रही है, ये हमारी सब्जी हो रही है और ये हमारा पपीता दिखाई। ये यहाँ पर पपीता मम्मी ने ना टावल से ढक रखा, भैया के लिए रखा है ना, तो कल कोई बरेती खाना जाए इसलिए मम्मी ने टावल से बंद किया है इसको। ये हमारा अनार का पेड़ है, ये आलू का पेड़ है, आलू का, ये आलू लगा रखे हैं। हो गया, नीलम सुबह से तैयार होके बैठी थी, हमको लेट हो गया तैयार होने में, गुस्सा हो रही है, इसको नींद आने लग गई थी। इसलिए नीलम ने मुंह फुलाया है, बस कद्दू की जैसा मुंह बनाया, कद्दू का जैसा। इसकी मम्मी इसको इसके जैसा किसी को नहीं देखती है। इसकी मम्मी को ऐसा लगता है मेरी बेटी दुनिया में सबसे सुंदर है। कल शादी थी तब भी अपनी बेटी को देखी थी। ये नीलम बहुत सुंदर लग रही है, करीना भैया सच में। कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे आवाज दे के सुन लेते हैं सब लोग। कितना अच्छा है यहाँ पे। कालू भी आ रहा, छोड़ने आया है कालू। ये कालू यहाँ देख, ओए लग गए हैं इतने सारे लोग। ये आस्था है और मैं हूँ कहने वाली पीछे है। हर जगह पे रेशमा होती है, आज आस्था है। गाड़ी अभी दूर है ना, वो किसी को छोड़ने के लिए गई है, तो हम तब तक थोड़ा थोड़ा पैदल चल ले रहे हैं, अभी गाड़ी आ जाएगी। हेलो, ये दुपट्टा से कुछ नहीं होगा, सनस्क्रीन लगाओ, धूप से चेहरे को निखार मिलाओ। अच्छा, आपने क्यों बंद किया है? ऐड है वो, ऐड है। आ गई गाड़ी, रेशमा यही है, चिपक चिपक के है ना, ये एडजस्ट हो गए सब लोग। रेशमा नीलम, मैं कहीं पे पानी पीने के लिए गाड़ी रोकी है, क्या है रेशमा? हाँ, इतना साफ पानी आ रहा है, साफ और पता है वो ठंडा पानी है, बहुत ठंडा हो रहा है। रेशमा ने अभी भर के दिया ना उन लोग को भी बोतल से, ऐसा कपड़े भी धुल रहे हैं। टांग काट के रोड बनी है, ये देवदार के पेड़ है।
गए हैं पाताल भुवनेश्वर। यहाँ आके पता चल रहा है कि मोबाइल अंदर ले जाना अलाउ नहीं है। पता नहीं कैसे बनने वाली है वीडियो। हम लोग पहुँच गए हैं पाताल भुवनेश्वर के गेट पे। ये है इसका मेन गेट और रेशमा लोग पूजा का सामान ले रहे हैं पीछे। हम जाने लग गए हैं नीचे। यहाँ से नीचे को है रास्ता। अभी कितना दूर है नीलम? हाँ ऐसे तिरछा है ना, तिरछा। हाँ एक मिनट, ये यहाँ से नीचे से रास्ता कितना सुंदर लग रहा। लोग मंदिर जाके भी आ गए हैं। आ जाओ, और आस्था मैम कहाँ को, यहाँ को भी जाएंगे। फोन अलाउ नहीं है ना अंदर ले जाना। ज्यादा तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी। पानी भी है ऊपर, पीने का पानी। ओम नमः शिवाय। अच्छा यहाँ तो देख ले तेरी शक्ल ही नहीं दिख रही है। आज तो वैसा है ना, तो खाली खाली लगता है। कोई भी त्यौहार वगैरह फेस्टिवल वगैरह होते हैं ना हाँ? तो बहुत भीड़ रहती है, लाइन लग जाते हैं यहाँ से। अच्छा हाँ, यहाँ से गेट स्टार्ट हो गया है। ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ सामने पे दिख रहा है मंदिर। ये लोग तो आगे चले गए। धुलने के लिए है, पैर धुल के जाते हैं सब लोग अंदर। मुझे भी धुलना है, पैर धुल रहे हैं सब लोग। पैर धो के जाना है अंदर। मैं भी धोती हूँ, आ रही हूँ। गुफा के अंदर जाके आ गए हैं। बहुत बड़ी गुफा थी और लेकिन फोन ले जाना अलाउ नहीं है, मना कर रहे थे। इसमें यहाँ से कूदने वाली है नीचे देखो नीचे गए थे और अभी ऊपर आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं इतना दिखा पाऊँगी कि गुफा के अंदर जो रास्ता है, गुफा का रास्ता दिखा पाऊँगी। इससे ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा ज़्यादा होने लग गया तो लोग भी ज़्यादा ज़्यादा आने लग गए। लाइनों में खड़े हो रहे हैं, कोई वेट कर रहा है बाहर बैठ के। सबका नंबर आ रहा है, ग्रुप वाइज जा रहे हैं सब लोग अंदर। ये यहाँ पे वेट कर रहे हैं लोग और आगे लाइन पे खड़े हैं। चलें, चलते हैं, चलो। अंदर जा रहे हैं, गुफा है, बहुत बड़ी गुफा अंदर तक। तो नंबर वाइज जा रहे हैं सब लोग, अंदर अलाउ नहीं है। जाने लग गए हैं। रेशमा के पोज खत्म नहीं हो रहे हैं देखो अभी भी बहुत अच्छा था अंदर। रेशमा क्या क्या था अंदर बता।
गार्डन ने बताया कि इसकी खोज त्रेता युग में ऋतुपर्ण ने की थी सूर्यवंश राजा। तो उसके बाद हम सबसे पहले स्टार्टिंग में नागफन में गए, नागफन के बारे में बताया और उसके बारे में जो पाताल है वो बताया। फिर हम उसके अंदर गए थे, नागफन के अंदर गए थे। उसके बाद हमें वहाँ बहुत कुछ चीज़ें बताई, जैसे यहाँ पर शिव जी की जटाएँ बताएं और गाय का फन था उससे ऊपर से दूध आता था। नीलम फोटो खिंचवा रही है, देखो कैसे खड़ी है, जैसे चैनल खोल रही होगी। रेशमा ने चुनरी लगाई थी ना सर में, तो उसको बांध रही है। क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा, सामान वगैरह ले रहे हैं। कढ़ा है यहाँ पे और किताबें हैं ना यहाँ की, वो ले रहे हैं। ये ऊपर रेस्टोरेंट है और यहाँ पे रूम भी अवेलेबल हैं, अगर कोई बाहर से कोई लोग आते हैं तो उनके रहने के लिए पूरी व्यवस्था है। पाताल भुवनेश्वर का टूर हमारा खत्म हो गया है, वीडियो यहीं पे खत्म हो रही है। आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कौन कौन लोग पाताल भुवनेश्वर पहले गए हैं वो लोग भी बताएं। थैंक यू।